10वीं क्लास के सभी प्यारे बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आ गए आप पेपर देकर, बड़ी उत्सुकता है आपको। आंसर की सारा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, तो चलिए आज लेके आए हैं आपके लिए सेट डी की आंसर की। इसमें हम पार्ट टू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि पार्ट वन जो था सब्जेक्टिव था, लेकिन उसमें क्वेश्चंस ए बी सी और डी में एक जैसे ही थे, सिर्फ सीरियल नंबर बदला गया था। तो यहाँ पर अब हम आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ आपका सब्जेक्टिव का सॉल्व है। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न खाली स्थान से संबंधित जो था पार्ट टू, उसको हल करने वाले हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी कॉल पर रजनी आ गई हैं चीका से, जो आपके लिए ये सॉल्व करके लाई हैं। तो आगे का काम रजनी देखेंगी। कम रजनी, हेलो गाइस, माय नेम इज़ रजनी। सो जैसे कि आप सबका कल एसएससी का एग्ज़ाम था, तो शायद आप सबका अच्छा होगा, अच्छा ही होगा शायद। तो क्या, तो अभी मैं सेट डी की आंसर की आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने आपके आंसर सही रहे, कितना आप परफॉर्म कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट आपके जो थे, फर्स्ट पार्ट में आपके थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड सेकेंड में आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव थे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो ये सबको पता है कि वो एक एक कलाकार था, ठीक है। उसने, आपको पता भी होगा, उसने राष्ट्र के रूपक चित्रित किए थे। तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया कलाकार। तो आप यही लगा के आएंगे, मुझे आशा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? तो आपको ये तो पता ही है कि स्टार्ट वो 1921 में हुआ था। तो चोरा चोरी घटना के बाद क्या किया, उसको बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि एक अहिंसक रूप से आंदोलन चला था, लेकिन चोरा चोरी की घटना एक हिंसक घटना थी, जिससे दुखी होकर उन्होंने ये वापस ले लिया। तो आपको पता होगा कि वो कब वापस लिया गया। यस, 1922 को वो वापस लिया गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यूरोप में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो ये जोहान गुटेनबर्ग, तो मुझे लग रहा है ये भी आप सही करके आए होंगे। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपको पता होगा कि वो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। आशा कर, ये भी मेरे को लग रहा है कि आप सही करके आएंगे कि वो 1915 में लौटे थे। अब वो अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, विलायती पढ़ाई के लिए वो गए थे अफ्रीका में, और फिर 1915 में लौटे थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो आपको पता है कि मुद्रण संस्कृति से क्या हुआ था, जैसे जैसे मुद्रण संस्कृति बढ़ रही थी, है ना, तो क्या हो रहा था कि हमारे भारत की जो जनता थी उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी। उनमें अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, आज़ादी के लिए भावना उनकी थी, वो बहुत प्रभावशाली हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि ऐसे तो ये हमको उखाड़ फेंकेंगे हमारे शासन को, तो हमको बाहर निकाल देंगे अपने देश से, ठीक है। तो क्या किया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये जो एक्ट है वो लागू किया था, वर्नाक्यूलर एक्ट। तो ये किस पे लगाया गया था, समाचार पत्रों पे लगाया गया था, फिर जिसमें भी ऐसा लगा ना कि ये विद्रोह कर रहे हैं, हमारे विपक्ष ये कुछ बोल रहे हैं, कुछ समाचार पत्रों में लिख रहे हैं, तो उसके विरुद्ध ये एक्ट लगाया गया था। आपको पता होना चाहिए कब लगाया गया था। जिसको भी पता है कि ये कब एक्ट लागू हुआ था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स में कौन सा समूह सबसे ज़्यादा था? तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि उसने, देखो ये उसने ब्रुसेल्स पूछा है। ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। तो उन जो बेल्जियम के, उनको पता, फ्लेमिश सबसे ज़्यादा थे, है ना, डच में सबसे, डच वाले सबसे ज़्यादा थे, पर जो उसकी राजधानी थी उसमें फ्रेंच ज़्यादा थे, ठीक है। आशा करती हूँ कि जिन जिन बच्चों ने ये अच्छा करा होगा, ये सही किया होगा, वो अपना कमेंट में ज़रूर आंसर दिए। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध है, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध है, तो ये इसका राइट आंसर है। एट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हमारा जम्मू कश्मीर है। अगर आपको सही है ये आंसर, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? उच्चतम न्यायालय। और चुनाव आयोग में कितने दल पंजीकृत है? 250। और निम्न में से किस देश ने बहुदलीय व्यवस्था अपनाई है? भारत ने। गठबंधन सरकार को ही बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है वो करती है केंद्र सरकार, ठीक है। और श्रीलंका ने सिंगली को राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया? 1956 को सिंगली भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया था। श्रीलंका एक डैश ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो बना था 1948 में। 47 में इंडिया राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना था, और 1948 में श्रीलंका। उसके बाद है
नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहा जाता है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 को। ये आप जी सबको आपको पता होना चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारा दल बदल को परिभाषित कीजिए। दल बदल क्या होता है? जब कोई एमपी या फिर एमएलए पैसों की लालच में या फिर किसी मंत्री पद के लालच में अपने पद से, अपने दल से किसी और दल में चला जाता है तो हम उसको दल बदल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तानाशाह। तानाशाह क्या होता है कि जब एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा पूरी सरकार चलाई जाती है, वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं करता, अपने लिए सब कुछ कार्य करता है, तो उसको तानाशाह बोलते हैं। और तानाशाह में ज़्यादातर जो एकात्मक सरकार है वही होती है, ठीक है। गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार जब दो दल सत्ता की साझेदारी करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक दल जब मिलकर एक सरकार बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गठबंधन सरकार। क्वेश्चन है जी, संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना था, तो आप इतना भी लिख सकते थे कि संघवाद में क्या होता है कि केंद्र और उसके राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये ज़्यादातर लोकतंत्र सरकार में ही होता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद है जी, उसके बाद हमारा लो ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? तो कुछ बच्चे इसका अनवीकरणीय लगा के आए होंगे, जो बिल्कुल गलत है। अगर वो बोलता लोहा किस प्रकार का संसाधन है तो हम करते हैं, यहाँ पर लो अयस्क है तो मतलब वो अजैविक संसाधन है, ठीक है, तो वो नवीकरणीय में वो अनवीकरणीय नहीं, वो जैविक अजैविक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 32, निम्न कारणों में से कौन पंजाब में भू नवीनीकरण का, सॉरी 22 क्वेश्चन है कि कौन सा पंजाब में भू नवीनीकरण का कारण है? तो हमको पता है हरियाणा पंजाब में ज़्यादा भू नवीनीकरण क्यों होता है? अति सिंचाई की वजह से। काली मिट्टी निम्न में से किस देश में पाई जाती है? वो पाई जाती है गुजरात में, इसलिए वहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस बार रोपण कृषि का उदाहरण क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण क्या है कि जो एक व्यापार के लिए कोई कृषि की जाती है, तो जूट सरसों गेहूं तो नहीं हो सकती, तो हमारी क्या है, चाय क्या है, एक रोपण कृषि का उदाहरण है। तो आगे खरीफ फसल कौन सी है? आप देख सकते हो कपास हमारी खरीफ फसल होती है। फलों व सब्जियों की कृषि को कहते हैं हम बागवानी। और सेल, हाँ सेल का क्या अर्थ है? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आप यही लगा के आए होंगे, कमेंट ज़रूर करके बताना। और जूट, जूट का सबसे बड़ा उत्पादन हमारा भारत है, सबसे ज़्यादा जूट होती है जो हमारे भारत में की जाती है, जूट की खेती। चीनी का, चीनी उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि चीनी उत्पादन में हम सेकंड नंबर पे हैं, चीनी उत्पादन में हमारा जो देश है वो दूसरे स्थान पर है। उसके बाद ये है स्वर्णिम, अच्छा फर्स्ट पे कौन है वो आपको मुझे बताना है, फर्स्ट पर कौन ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है कमेंट में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से है। दो देशों के बीच मध्य व्यापार, देशों के बीच, तो देश में क्या हो गया, अलग अलग जब कंट्रीज़ के बीच जो व्यापार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। इंडियन ऑयल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र है, क्षेत्र का उपक्रम है। और चाय व कॉफ़ी के लिए, ये सबको पता होना चाहिए कि चाय और कॉफ़ी के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, काली मिट्टी मैं आपको बता चुकी हूँ कपास के लिए होती है। संचार क्या है? संचार मतलब हमारी बातों का दूसरों तक पहुंचाना, किस तक आदान प्रदान करना हमारी बातों का दूसरों लोगों तक, वो भी किसी उपकरणों के माध्यम से, तो वो संचार ही कहलाता है, वही संचार है। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि इनमें से कौन से राज्यों में साक्षरता दर कम है? एक बार देखा करो भी, इन्होंने कम पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा। बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है ध्यान से, उनको पता होता है आंसर और वो गलत करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा कम किस में है? बिहार में। और सबसे ज़्यादा है केरल में, तो कम पूछो तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार कौन से क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा हमारे तृतीय क्षेत्र में है। और भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक व अस्पताल किससे संबंधित है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक और अस्पताल ये सभी किससे संबंधित होते हैं? तृतीय क्षेत्र से। और लास्ट क्वेश्चन अपना, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश व विदेशी व्यापार से दो देशों के माध्यम जब एकीकरण होता है उसी को हम वैश्वीकरण बोलते हैं। तो आप मुझको ज़रूर कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए और आपने कितना परफॉर्म किया अपने एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, तो अपने इंग्लिश एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं नोट्स की भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।